नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके मेरे चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था आरटीई के बारे में कि आरटीई के अकॉर्डिंग वर्क एजुकेशन गांधी जी की नई तालीम के कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस क्या है, समकालीन प्रासंगिकता क्या है। आज हम बात करेंगे एनसीएफटीई के अकॉर्डिंग वर्क एजुकेशन नई तालीम के क्या कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस है। सेम वही पैटर्न रखना है, हमें एनसीएफटी के बारे में बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, उसके बारे में बाद हम लास्ट में बता देंगे कि क्या कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस है, कि क्या ये भी वर्क एजुकेशन से इंस्पायर्ड है या नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम में, बिल्कुल 90% इसके आने के चांसेस है। ये आपके तीन हैं, एनसीएफ, आरटीई और एनसीएफटीई। तो ये तीन आपके टॉपिक हैं, इन तीनों में से एक टॉपिक आपका ज़रूर आएगा एग्जाम में, 90% इसमें से आपका आएगा। तो मैंने वर्क एजुकेशन से रिलेटेड आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाला है। आज ये वीडियो होने के बाद आपका सिर्फ एक दो टॉपिक रह जाएंगे लास्ट के, उसके बाद ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। इस तरह से पहले हम सारे सब्जेक्ट्स के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, और लास्ट में जब अगर टाइम बचता है फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो भी हमारी तैयारी ज़रूर रहेगी। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। देखते हैं कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ वर्क एजुकेशन नई तालीम एक्सपीरियंस लर्निंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एज पर एनसीएफटीई। एनसीएफटीई के अनुसार वर्क एजुकेशन नई तालीम एक्सपीरियंस लर्निंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट की आज के समय में कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस क्या है, ये हमको बताना है। पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि एनसीएफटीई क्या है। एनसीएफटीई की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। आपने एनसीएफ पढ़ा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें क्या था कि पूरे नेशन के लिए, पूरे इंडिया के लिए किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, उसके का पूरा फ्रेमवर्क था कि किस एज में बच्चे को कौन सी बुक पढ़ानी चाहिए, किस तरीके से पढ़ानी चाहिए, कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ बताया गया था। ये है एनसीएफटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि जो शिक्षक शिक्षा है उसको लेकर पूरा का पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क इन्होंने दिया था नेशनल का। मतलब शिक्षक शिक्षा यानी कि जैसे अब बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ठीक है, ये जो टीचर के बनने के लिए टीचर एजुकेशन होती है, यानी कि टीचर बनने के लिए जब हम कोई एजुकेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि हम टीचर बनने के लिए हम एजुकेशन ले रहे हैं। आप डीएलएड कर रहे हो तो आप टीचर बनने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह का कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो कि टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, तो वो सब इसमें आ जाएगा, टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएगा। तो उसका क्या करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए, वही है एनसीएफटीई, यानी कि शिक्षक शिक्षा, शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है, ठीक है। क्या है देखते हैं, टीचिंग हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है इस बात को पढ़ाना। बीएड में आपको क्या कराते हैं, क्या आपको कोई सम दिया जाता है, अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट मैथ्स है, शिक्षक टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, तो क्या आपके पूरे बीएड के कोर्स में कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका आया है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आया हो, कोई कैलकुलस का कोई क्वेश्चन आया हो, कोई भी एल्जेब्रा का कोई क्वेश्चन आया है, नहीं आया। उसमें क्या होता है पेडागोजिकल सब्जेक्ट में कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ाना है। तो इन कोर्सेज में शिक्षक शिक्षा में क्या कराया जाता है कि आपको आगे चलकर जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आपको किस तरह से बच्चों को सिखाना है, ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो टीचिंग हाउ टू टीच, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, ये बात सिखाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है, कठिन कार्य है, ठीक है। इसके लिए टीचर एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखिए, टीचर एजुकेटर्स क्या हुआ, जो कि टीचर्स को टीच करते हैं, जो कि टीचर्स को पढ़ाते हैं, फ्यूचर टीचर्स को पढ़ाते हैं, अब आप और हम आगे चलकर टीचर बनेंगे, ठीक है। तो हम टीचर्स जो बनने वाले हैं, हम टीचर्स को जो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो हो गए टीचर एजुकेटर्स, ठीक है। तो उनकी हैवी डिमांड है, क्योंकि जो ये कार्य है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें आपको टीचिंग नहीं करनी, इसमें आपको सिखाना नहीं है, इसमें आपको ये बात सिखानी है कि आपको बच्चों को कैसे सिखाना है। एनसीएफटीई 2009 इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन, ये एक अटेम्प्ट है था, ठीक है, ये एक प्रयास था टीचर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, टीचर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसको बिल्कुल आदर्श, इनोवेटिव और अफेक्शनेट बनाने के लिए।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे दैट टीचर्स हैव ट्रिमेंडसली रेस्पॉन्सिबिलिटी इन शेपिंग द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है किसी भी बच्चे की लाइफ को शेप देने में। अब एक बात आप बताइए, कोई भी बच्चा है छोटा सा, उसकी लाइफ आगे जाकर कैसे होनी है, उसकी लाइफ को शेप देने में सबसे अहम रोल अगर किसी का है ना, तो वो टीचर का है, वो एक शिक्षक का है। टीचर चाहे किसी बच्चे को गलत दिशा में भी ले जा सकता है और अच्छी दिशा में भी ले जा सकता है। टीचर्स का काम होता है बच्चों को गलत दिशा से हटाना, ठीक है, और सही दिशा की ओर लेकर जाना। तो एक टीचर का बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी बच्चे को सही दिशा तक पहुंचाने के लिए, उसके बच्चे का जो फ्यूचर है उसको शेप करने के लिए। इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ NCERT 2009 वॉज डेवलप्ड बाय अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेशंस बाय मेंबर्स ऑफ कमेटी विद एमिनेंट स्कॉलर टीचर एजुकेटर्स ट्रेनिंग टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ NGOs एटसेट्रा। मतलब सबसे पहला जो इनिशियल ड्राफ्ट था NCERT का 2009 का, वो कमेटी एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप किया गया था। किस आधार पर डेवलप किया गया था? एक बातचीत हुई थी, कन्वर्जेशन हुई थी, किस किस में? कमेटी के मेंबर्स के बीच, और किस में बीच? स्कॉलर्स जो थे, जो टीचर एजुकेटर्स थे, जो ट्रेनी टीचर्स थे, और जो NGOs के रिप्रेजेंटेटिव थे, NCERT के जो NCERT SCERT डाइट CTET इन सब के जो एनालाइज थे, तो उन सब के साथ मिलकर बातचीत हुई, उसके बाद जाकर कमेटी ने अपना ये इनिशियल ड्राफ्ट निकाला था। एक्सपर्ट्स कौन कौन थे कमेटी के, वो ये आपके सामने नाम है कुछ जो कि कमेटी के एक्सपर्ट्स थे। कमेटी ने आपस में विचार किया, उसके बाद अपना करिकुलम फ्रेमवर्क दिया। करिकुलम में क्या था कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो इन्होंने अपने चैप्टर्स डिवाइड किए टीचर एजुकेशन के लिए। कौन कौन से चैप्टर थे? फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने बताया, पहले चैप्टर में इन्होंने कहा कि कंटेक्स्ट कंसर्न्स एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि छात्र अध्यापक, यानी कि हम और आप जो कि उस कोर्स को कर रहे हैं, जो कि शिक्षक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें शिक्षक शिक्षा के बारे में बताना, उसके विजन के बारे में समझाना, एम के बारे में समझाना। चैप्टर सेकंड चैप्टर में क्या है? करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन। जो शिक्षक की तैयारी करने के लिए जो प्रारंभिक तैयारी होती है, उसके लिए पाठ्यक्रम क्षेत्र को बताना। थर्ड चैप्टर में ट्रांजेक्टिंग द करिकुलम एंड इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर्स, पाठ्यक्रम का लेन देन करना और विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन करना। चैप्टर फोर में था कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर्स, सेवा शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास और सहायता करना। चैप्टर फाइव में प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स, शिक्षक शिक्षकों को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना। और सिक्स्थ चैप्टर में था इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, जो रणनीतियाँ हैं उनको उनका इम्प्लीकेशन करना, उनको अप्लाई करना। तो इस तरह से अध्यायकरण कर दिया था NCERT ने। अब बात करते हैं एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। NCERT के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग इन टीचर एजुकेशन। जो आपकी शिक्षक शिक्षा में जो स्थानीय समुदाय होते हैं, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, उसकी भागीदारी को समझना, उसकी कंसेप्ट को समझना, अवधारणा को समझना। अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टांसिस ऑफ चिल्ड्रंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑक्यूपेशन। बच्चे आपकी क्लास में, बच्चे हर एक ऑक्यूपेशन से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके बैकग्राउंड होते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग कास्ट रिलीजन सब डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं। तो सभी बच्चों की सर्कमस्टांसिस को, सभी बच्चों की परिस्थितियों को समझना। नोइंग स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। स्कूल शिक्षा के जो कार्यक्रम है, जो नीतियाँ हैं, उनको जानना, जिसमें स्थानीय समुदाय भागीदारी के पहलू शामिल हों। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग लेसन्स विद चिल्ड्रंस इन द लोकल सिचुएशन। स्थानीय परिस्थितियों में बच्चों के साथ पाठ की योजना को जोड़ने की तैयारी को समझना, प्रक्रिया को समझना, यानी कि बच्चों को समझाना, टीचर्स को समझाना आगे चलकर, कि जब वो आगे चलकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपनी लोकल जो कंडीशन है, जो उस टाइम पर जो भी आपके सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो लेसन है उसको कैसे जोड़े, रियल लाइफ से किस तरह से जोड़ सकते हैं। NCERT के अनुसार और जब भी शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम बने, जब टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम बने, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? पहला को तो कि देयर शुड बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन द टीचर द स्टूडेंट एंड द कम्युनिटी। शिक्षक, छात्र और कम्युनिटी,
यानी कि आपका समुदाय, इन तीनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए। स्टूडेंट्स टीचर कैन गेस द फीलिंग ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंग इन द क्लास रूम। स्टूडेंट टीचर यानी कि आप और हम जो कि बी एड डी एल एड इस तरह के कोर्सेज को कर रहे हैं, जो कि छात्र भी है और शिक्षक भी है, आप टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप टीचर हो गए, और ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि आप सीख भी रहे हैं और बच्चों को सिखा भी रहे हैं। सेट हायर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी में सामान्य से उच्च मानक को स्थापित करना। द स्टूडेंट टीचर्स शुड हैव द एबिलिटी टू बिकम अ स्किल्ड लीडर इन पार्टनरिंग विद द कम्युनिटी। जो आपके जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, उनमें एबिलिटी होनी चाहिए। किस तरह की एबिलिटी? कि वो कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप में लीडरशिप कर सकें, अच्छी तरीके से स्किल्ड लीडरशिप दिखा सकें। Have the ability to make changes according to community response. अब समुदाय के अलग अलग रेस्पॉन्स आते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया आती है, तो उनके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सके। Should have the ability to maintain professional etiquettes. अपने जो पेशेवर जो शिष्टाचार होते हैं, जो प्रोफेशनल जो शिष्टाचार होते हैं, एथिक्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, उनको बरकरार रख सके। Motivate students to learn. अधिगम के लिए छात्रों को प्रेरित कर सके। एनकरेजिंग ग्रुप वर्क, समूह में कार्य करने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें। टू इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स ऑन मेथड ऑफ मेकिंग कंपोजिशन टू कीप चिल्ड्रंस बिजी। छात्र अध्यापकों को बच्चों को व्यस्त रखने के लिए भी रचनाएं और विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो इन सभी से गांधी जी की जो नई तालीम है, कार्य शिक्षा है, अनुभवजन्य अधिगम है, इन सब से ही तो प्रभावित ही है। सभी के सभी जो पॉइंट्स आप ऊपर देखे हैं कि भाई बच्चे पर फोकस होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को ग्रुप लर्निंग देनी चाहिए, ठीक है, बच्चे में रटाने पर फोकस ना हो, एक्सपीरियंस बाय लर्निंग हो, तो ये सब चीज़ क्या है, नई तालीम, वर्क एजुकेशन और एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, इन्हीं से ही प्रभावित थे, इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। आधुनिक शिक्षा केवल अंकों पर आधारित है, आप ये सब जानते हैं, परीक्षा के अंक हो गए, बोर्ड शिक्षा की मेरिट हो गई, ग्रेड हो गई, इन सब पर ही ये डिपेंडेंट है। इस प्रकार ये शिक्षा जो है वो बेहतर जीवन नहीं बल्कि केवल एक अच्छी तनख्वाह वाले बालकों को तैयार कर रही है। आप आज हर बच्चे से पूछ लीजिए उनका सपना क्या है, उनका एम क्या है, वो एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, वो सिर्फ हर बच्चे का एक जवाब पाएगा, 99% जवाब पाएगा आपका कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, एक बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, 50-60 हज़ार रुपये बैठे बैठे आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, 99% आपको यही जवाब मिलेगा। तो जो आज की एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तरफ फोकस करी है, वो सब बच्चे इसे फिर चाहते हैं कि एक अच्छी तनख्वाह वाली, एक अच्छी सैलरी वाली मुझे जॉब मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो बच्चे लर्निंग पर तो फोकस कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट्स पर, मार्क्स पर, परसेंटेज पर फोकस हो रहा है। गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा था कि शिक्षा प्रणाली राष्ट्र को दासता से मुक्त कराने के लिए होती है। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम होता है वो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी नेशन को दासता से यानी कि स्लेवरी से मुक्त कराने का एक जरिया है। और गांधी जी के जो शब्द हैं ये आज भी प्रासंगिक है, हम सबको सुधार की आशा भी रखते हैं। इनकी अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हम सिर्फ दास ही तो बनेंगे। अब आप एक बात बताइए, कहीं आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, किसी ना किसी के अंडर में है, किसी ना कोई आपका बॉस जरूर होता है, चाहे आप कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, आपका बॉस कोई ना कोई जरूर होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक तरह से दास आप कह सकते हैं कि सिर्फ सर्वेंट पैदा हो रहे हैं एजुकेशन से, सिर्फ सर्वेंट बनकर निकल रहे हैं लोग, कोई भी खुद बिजनेस करने की कोशिश नहीं करता है। तो यही था आपका NCERT। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, आप अपने कमेंट्स को, अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।